कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके इस हफ्ते के बारे में, यानी 18 से 24 मई के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा बीतेगा ये 7 दिन आप सभी के लिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, बहुत जगह पे जो है 17 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलने की बात हुई थी, बहुत जगह पे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे लोग जो है अपने लाइफ में जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात समझने की बेहद जरूरत है कि ये जो कोरोना वायरस है वो अभी भी हमारी सोसाइटी में बाहर है, तो इसीलिए जितना हो सके आप सतर्कता बरतें, जितना हो सके परहेज रखें हर चीज़ों से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को सैनिटाइज रखें। अगर आप बाहर जाते भी हैं किसी खास काम के लिए तो आप जो है पूरी तरीके से ध्यान रखें कि आपको किसी तरीके से जो है ये वायरस लग ना जाए। और क्योंकि ये आपकी ही लाइफ के लिए नहीं, आपकी फैमिली की लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली की लाइफ अगर आप बाहर निकलते हैं तो खतरे में है। तो कोशिश करें जितना कम हो सके घर से बाहर निकले, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और जितनी ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए ये चीजें सही रहेंगी। बाकी हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सभी की लाइफ नॉर्मल चले, आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। भगवान गणेश करें, गणपति करें कि आप सभी की लाइफ जो है अच्छी तरीके से चले। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित हमारा यह भविष्यफल। आपको जो है आपके सप्ताह में होने वाली घटनाओं से रूबरू कराएगा। इसमें न केवल आपके आर्थिक और करियर से जुड़ी भविष्यवाणियां होंगी, बल्कि इसके द्वारा जो है आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंशियली कैसे रहेगी आपके वीक, फैमिली लाइफ, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी के टाइम के लिए हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां जो है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यह राशिफल आपको बताएगा आपके आने वाले सप्ताह को जो है कैसे शानदार बनाना है, क्योंकि जब हमें पहले से कुछ चीज़ें पता होती हैं तो हम प्लानिंग अपने उसी अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारे यह जो ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर तैयार किया गया राशिफल होता है, इससे हमारी यही पूरी कोशिश होती है कि आपको हम पहले से ही आइडिया दे दें कि हर एंगल से आपका जीवन कैसा बीतने वाला है इन 7 दिनों में, और किस तरीके से आपको अपने आने वाले 7 दिनों को प्लान करना है। सबसे खास चीज़ जो इसमें होती है वो होता है एक सिंपल सा ज्योतिषीय उपाय जो हम आपको बताते हैं। सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग रेमेडीज बताई जाती हैं, तो आप उस रेमेडी को करके परेशानियों को कम कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं हम इस वीडियो में ग्रहों का गोचर, तीज त्यौहार, मशहूर हस्तियों का जन्मदिन, ये सारी जानकारियाँ आपको इस पूरी इस वीडियो में मिलेंगी। कुल मिलाकर अगर कहें तो यह जो राशिफल है पूरे हफ्ते का लेखा जोखा है। तो चलिए बिना देर किए अभी आपको बताते हैं, शुरुआत करेंगे 18 से 24 मई के इस राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्यों की। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 18 मई से हो रही है, जबकि इस सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 24 मई को होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में ही यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई सोमवार को अपरा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। इसके अगले दिन यानी कृष्ण पक्ष की द्वादशी 19 मई को मंगलवार को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। सप्ताह के तीसरे दिन यानी कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी 20 मई को बुधवार को मासिक शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। महीने की 22 तारीख यानी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती जो है मनाई जाएगी। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। इन सभी तीज त्योहारों के बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस डाली जाएंगी, या फिर आप इसकी जानकारी के लिए क्या पूजा विधि होगी, क्या मुहूर्त होगा, आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जरूर विजिट करें। वहां भी आपको इन सारे तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारियां मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और अभी के समय में भगवान की पूजा पाठ, व्रत आदि का भी बहुत आपके जीवन में खास महत्व है, तो किस तरीके से व्रत को करना है इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। वहीं अगर बात करें 18 मई से 24 मई के बीच के गोचर की, तो इस हफ्ते जो है 24 मई को यानी हफ्ते के आखिरी दिन संडे को बुध ग्रह का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है। तो इस प्रकार जो है चंद्रमा के गोचर के साथ साथ बुध ग्रह के गोचर का प्रभाव भी सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा, और बुध ग्रह भी अपना प्रभाव डालेंगे। वैसे हालांकि जो है ये आखिरी दिन पे हो रहा है, इसीलिए इस गोचर का असर ज्यादा तौर पे आपको जो है अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आखिरी दिन पे हो रहा है, इसीलिए इस हफ्ते में इसका असर बुध ग्रह का कम देखने को मिलेगा। हमारा अगला सेगमेंट है जन्मदिन विशेष यानी बर्थडे स्पेशल। बहुत सारे लोगों ने हमसे जो है कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि हम कुछ उनके लिए फेवरेट स्टार्स के मशहूर हस्तियों के जन्मदिन के बारे में बताएं। तो इस हफ्ते जो है 18 मई से 24 मई के बीच में, सबसे पहले 18 मई को विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर का जन्मदिन आता है। बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्मदिन 19 मई को है,
और इस दिन अभिनेता और हास्य कलाकार जो है वीरदास का भी जन्मदिन है। 21 मई को मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेत्री रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा का जन्मदिन है। एस्ट्रोसेज इन सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाकी अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखनी है, तो भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सभी की कुंडली है, सभी के बारे में जानकारियां हैं, आप वो देख सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता देते हैं, www.astrosage.com। तो ये जानकारियां हो गई ओवरऑल। अब जो राशिफल बताएंगे ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, या पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि उनकी चंद्र राशि यानी मून साइन क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है चंद्र राशि कैलकुलेटर का। उस चंद्र राशि कैलकुलेटर के लिंक पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे, वो डिटेल्स होंगे आपके बर्थ डिटेल्स। आपको अपने सही सही बर्थ डिटेल्स उस फॉर्म में फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी चंद्र राशि यानी मून साइन पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप चंद्र राशि का पता लगाकर अपनी राशि के अनुसार साप्ताहिक राशिफल की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां हो गई, अब बारी आपके राशिफल की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके छठे, सातवें, आठवें भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप पुरानी बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही जो जातक जो है नौकरी पेशा में है यानी जॉब करते हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र में अपने कॉम्पिटिटर्स पर विजय मिलेगी। कारोबारियों की स्थिति भी सुधरेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। यह समय भी आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय इस दौरान आप बिता पाएंगे। वहीं इस राशि के जो जातक साझेदारी में कारोबार शुरू करने के बारे में विचार बना रहे हैं, वह भी अपने विचार पर अमल कर सकते हैं। हालांकि आपको आगे बढ़ने से पहले किसी अनुभवी शख्स या घर के बड़ों से सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। इससे जो है आपके मस्तिष्क को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस राशि के जो जात शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने मन को पढ़ाई में लगाए रखने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है। बुद्धि के देवता बुध का गोचर नवम भाव में होने से भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। बुध आपके द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसीलिए विदेशों से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। बात करें लव लाइफ की तो तुला राशि के जातकों के स्वभाव में ही रोमांस होता है, लेकिन इस सप्ताह आपका साथी भी रोमांस से भरा होगा, जिससे प्रेम जीवन में आनंद रहेगा। इस राशि के मैरिड लोगों के जीवन में संगतता बनी रहेगी, लेकिन आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल की कुंभ राशि में स्थिति जीवन साथी के स्वभाव में गुस्सा भर सकती है। ऐसे में आपको ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। उपाय के तौर पर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए काफी शुभ रहेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना तुला राशि के जातकों के बारे में। तो आपको बताया हमने कि 18 मई से 24 मई के बीच का जो ये 7 दिन है कैसा बीतेगा आप सभी के लिए, क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, बहुत सारी जानकारियां दी ग्रहों के गोचर के बारे में, होने वाले तीज त्योहारों के बारे में सारी जानकारियां हैं। उम्मीद करते हैं जानकारियों की मदद से आप जो है अपने सप्ताह की प्लानिंग बेहतरीन तरीके से करेंगे। बाकी जितने भी तीज त्योहार आ रहे हैं हफ्ते में, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन होता है 18 मई से 24 मई के बीच में, उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो, मन में धैर्य रखें, ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें। अगर आप धैर्य से रहेंगे तो सारी जो मुश्किल परिस्थितियां उसको आसानी से पार कर जाएंगे। बाकी हमारी दुआएं जो है आप सभी के साथ हैं। आपके प्यार के लिए ढेर सारा धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, हम भी कोशिश करेंगे ऐसे ही हर हफ्ते आपको जो है जानकारियां देते रहें। बाकी मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।